मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मॉनसून के कहर ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में बाढ़ के खतरे की बजाई घंटी। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत में बीते कई दिनों से लगातार मॉनसूनी बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में कम 130 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 128 गांव से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के अलावा दक्षिणी राज्यों कर्नाटका और तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक विज्ञापन में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और पश्चिमी पर सक्रिय मॉनसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटका में भारी से बहुत भारी बारिश। मौसम विभाग ने आज के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मॉनसून की शुरुआत के बाद से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि पूर्वी महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण 128 गांव से संपर्क टूट गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।